तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम खेल रहे हैं बिल्ड अ ब्रिज। इस गेम में हमें सिंपली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, मतलब हम एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाले बंदे हैं। हमें मटेरियल्स मिलेंगे और हमें मिलेंगे कुछ पैसे, जिसके अंदर हमें इस ब्रिज को पूरा का पूरा बनाना होगा। उसके ऊपर से जाएंगी कुछ गाड़ियां, कुछ व्हीकल्स। अगर वो उस पे से पास हो पाई तो हमारा ब्रिज जो होगा वो होगा एक सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो उस ब्रिज पे से वो गाड़ियां सही तरीके से नहीं जा पाई और हमारा ब्रिज अगर टूट गया तो हमारा ब्रिज हो जाएगा फेल। तो क्या हम एक सक्सेसफुल ब्रिज बिल्डर बन पाएंगे या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। ओके तो गाइस, हमारे यहाँ पे सबसे पहला लेवल आ चुका है। यहाँ पे हमें दिख रही है एक टैक्सी जिसको उस तरफ जाना है, और उस तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहे हैं दो मटेरियल्स। बाकी के मटेरियल्स हमारे शायद अनलॉक नहीं हुए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक रोड का टुकड़ा और यहाँ पे दिख रहा है एक वुड का टुकड़ा। मतलब हमें पहले ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ पे हम ये वाला टुकड़ा चूज करने वाले हैं, क्योंकि ये रोड है। ठीक है, रोड तो हमें सीधा सीधा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रोड चुन लिया है और यहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ इस रोड को। तो यहाँ पे हमने पहला ये लाइन लगा दिया है और आधा और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने आधा और कर दिया है कंस्ट्रक्ट। लेकिन अगर अभी इस वाले रोड की मतलब हमारा ये जो ब्रिज है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है किसी भी चीज का, तो अगर हमारी गाड़ी चलती है, जो कि मैं चला के दिखाता हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी देखो कितना हमारा ब्रिज जो है, मतलब देख सकते हो तुम, हमारा जो ब्रिज था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो इस वजह से हमारी गाड़ी जो है गिर चुकी है। तो गाइज यहाँ पे तुमने जैसा कि देखा कि हमने इस ब्रिज को सपोर्ट नहीं दिया, सिर्फ रोड बनाया, और रोड बनाने की वजह से ये जो है बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, ये टिक नहीं पाया और हमारी गाड़ी जो है वो सीधा खाई के अंदर जाके गिर चुकी। तो हमें अपने ब्रिज में अच्छे से सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वुड का टुकड़ा जो है चुन लिया है और यहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ ऐसे, और यहाँ से एक और वुड, और सेम तरीके से हमें एक और यहाँ पे और एक यहाँ पे सिमेट्री बनानी है। और जैसे जैसे हम सिमेट्री बनाते जाएंगे हमारा ब्रिज काफी ज्यादा शानदार बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रिज जो है बन चुका है और इसमें काफी खर्चा भी हो चुका है जैसा कि तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ब्रिज लेकिन एकदम परफेक्टली तैयार है। तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को रन कराने वाले हैं और इस बार ब्रिज बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है सक्सेसफुली दूसरी तरफ पहुंच चुकी है और हमें मिले 3 स्टार्स। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे और देखते हैं वहां पे हमें कैसा ब्रिज बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला है कि इन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, मतलब हमारा कोई पिछला बिल्डर आया था जिसने इस ब्रिज को बनाने की कोशिश की और उसने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया और यहाँ पे छूटे हुए हैं, तो हमें इन्हें हटा देना है। पहले इन सबको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आधा ब्रिज बन चुका है जैसे उस बिल्डर ने बना दिया था, और हमें बस आधा ही काम करना है। हमें सिर्फ इस ब्रिज को सपोर्ट देना है क्योंकि बाकी काम तो इसमें हो ही चुका है, रोड लग चुके हैं। एक सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पैसे भी बढ़ रहे हैं तो पैसे के अंदर ही अंदर काम करना है। तो यहाँ पे हमने एक और वुड लगा दी, यहाँ पे सेम टू सेम एक और वुड लगा देंगे और दो वुड, और अगर मैंने सपोर्ट दी वुड के जो भी इससे, तो हमारा ब्रिज जो हो चुका है वो हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे हमने अब ये जो हमारी फायर वाली गाड़ी होती है, हमारी फायर विकेट जो भी होती है, वो जा चुकी है सक्सेसफुली और यहाँ पे हमें मिल चुके हैं 3 स्टार्स। जितना अच्छा हम ब्रिज बनाने वाले हैं उतने ज्यादा हमें स्टार्स मिलेंगे, अगर हमें कम स्टार्स मिलेंगे तो इसका मतलब हमने ब्रिज इतना अच्छा नहीं बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे हमारे थर्ड लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं गाइस थर्ड लेवल। तो गाइस यहाँ पे हमारा अगला लेवल आ चुका है और यहाँ पे हमारा हाफ ब्रिज जो है पहले से ही कंप्लीट है, तो हमें बाकी का हाफ ब्रिज बनाना है। तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से ये ब्रिज इस तरफ है वैसे सेम उस तरफ से मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं रोड के कुछ टुकड़े और रोड को पहले स्ट्रेटली हम बिछाने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेटली हम नहीं बिछा सकते क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमें लेने हैं वुड के कुछ टुकड़े जिससे हम दे सके इस चीज को सपोर्ट। ओके ओए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है भाई। ओके तो यहाँ हमने एक टुकड़ा लगा दिया है, अब एक टुकड़ा हमें और लगाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ हमने दूसरा टुकड़ा भी लगा दिया है और अब सपोर्ट मेन सपोर्ट यहाँ से देंगे, एक सपोर्ट यहाँ से देंगे और एक फाइनल सपोर्ट हमारा हो गया। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा ब्रिज जो है कंप्लीट कर दिया है। अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं, अगर ये गिरी तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे ब्रिज हिल तो नहीं रहा है, इसका मतलब हमने ब्रिज काफी बढ़िया बनाया है, लेकिन एंड में जो इस गाड़ी ने एकदम क्या धचकी ली है वो तो भाई एक अलग ही लेवल की। ओके तो गाइस अब हमें एक ऐसा ब्रिज कंप्लीट करना है जिसके वजह से ये हमारी गाड़ी है जो एक स्टंट कार है, जिसको एक स्टंट रैंप चाहिए और वहां पे उसे जाना है। तो हमें एक ब्रिज ऐसा बनाना है जिससे ये यूं जाए और आधा ही ब्रिज बनाना है और वो अपनी शक्ति से, मतलब जो भी इसकी पावर है उसकी वजह से वो दूसरी तरफ पहुंच जाए। तो अभी हम ब्रिज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं रोड
और रोड के प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरीके से बिछाने वाले हैं जिससे बहुत ही स्मूथली ऊपर जाए। पहले तो एक स्ट्रेट रहेगा मेरी तरफ से और थोड़ा सा यहाँ से ऊंचा करना इसको चालू करते हैं और एक और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अभी हम थोड़े से इसको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट लगने वाला है यहाँ पे, जो कि एक वुड यहाँ पे जाएगी। सेम तरीके से एक वुड यहाँ पे जाने वाली है, एक वुड यहाँ पे देते हैं और सेम टू सेम एक वुड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक सिमेट्री हो चुकी है लेकिन अभी इनके बीच में सपोर्ट नहीं है, तो हमें बीच में एक सपोर्ट भी देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और स्मूथ बन जाए। तो अभी हमारा जो है ब्रिज पूरी तरीके से कंप्लीट है, बट यहाँ पे भी हमें शायद सपोर्ट देने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं एक सपोर्ट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा देके रखता हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे और सेम टू सेम एक यहाँ पे, हमारा बजट के अंदर काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट दे देते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से ये ब्रिज बिल्कुल नहीं हिलने वाला है और यहाँ से जो गाड़ी जाएगी वो आराम से चली जाएगी। तो यहाँ से एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रिज बिल्कुल नहीं हिल रहा है और गाड़ी हमारी जा रही है और गाड़ी स्मूथली बहुत ही इजी तरीके से हमारे दूसरे रास्ते तक जा चुकी है और हमें मिल चुके हैं 2 स्टार्स। एक और स्टार मिल जाता तो मजा आ जाता, मतलब हम इसको और थोड़ा सा कम भी कर सकते थे, बट ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेवल है और इसके अंदर हमारी एक रेड कलर की कार है जो कि एक आइस वाली जगह पे है और आइस वाली जगह में यहाँ पे एक बीच में शिप भी है, तो इसके नीचे से एक शिप आने वाला है। तो हमें शिप के आने के लिए जगह भी बनाना है, मतलब ब्रिज को इस तरीके से क्रिएट करना है कि वो शिप आराम से निकल जाए और हमारी गाड़ी भी चली जाए और हमारा ब्रिज बजट के अंदर भी बन जाए। तो इस बार हमें जो है एक नई चीज भी दी गई है, केबल, जिसका हम यूज कर सकते हैं इसको और तगड़ा सपोर्ट देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बिछाना स्टार्ट करूंगा रोड और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ये पास ही पास जाए जिससे कि हमारा जो है वो हमारा बजट कम आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्मूथली यहाँ से यहाँ और सेम टू सेम एकदम सिमेट्री के साथ, एक डाउन है तो एक डाउन ही करेंगे और यहाँ से सेम टू सेम यहाँ। तो अभी हमारे यहाँ पे $528 कुछ खर्च हो चुके हैं सिर्फ रोड में। अभी हमें देना है इसको सपोर्ट, मेनली सपोर्ट हमें जरूरत पड़ने वाली है बीच के सेंटर वाले एरिया में। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं केबल्स और 2 केबल्स लगाने वाले हैं। एक केबल मैं यहाँ से ले जाके इसको दूंगा और सेम टू सेम एक केबल मैं यहाँ से ले जाके यहाँ दूंगा। अभी मेनली हमारा बीच वाला एरिया तो शायद नहीं गिरेगा, बट हमारा ये वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो उसे भी हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल किए तो ये काम जा सकता है ओवर बजट, और ओवर बजट जाएगा तो तुम्हारे भाई को स्टार्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ से, एक सेकेंड, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं केबल से ही देखता हूँ, क्या पता हमारी केबल से ही हम तगड़ा वाला सपोर्ट दे दें पूरे उसको ब्रिज को। एक यहाँ से और सेम टू सेम एक यहाँ से, अभी तक तो पूरा एकदम सही लग रहा है। बीच वाला एरिया शायद ना गिरे, अब देखा जाएगा, एक बार इसको रन करके देखते हैं। अगर ये गिर गया तो थोड़ा सा और सपोर्ट देने की जरूरत है, अगर नहीं गिरा तो भाई अपना ब्रिज एकदम स्मूथली जाने वाला है, ठीक है। तो ब्रिज वैसे तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वैसा मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे को इतना ईजी पड़ेगा ये ब्रिज बनाना, बट हमने वुड का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ केबल्स का इस्तेमाल किया तो हमारा ब्रिज एकदम मस्त है। ओ, और हम यहाँ पे जीत भी चुके हैं, हमें 3 स्टार्स मिल चुके हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं ब्रो। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेवल आ चुका है जहाँ पे एक शायद ये डिलीवरी कार है जो कि येलो कलर की है। सामने एक हॉट एयर बलून है जिससे शायद हमें सपोर्ट के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी और हमें जाना है फिनिश लाइन पे। वैसे तो ये थोड़ा वर्टिकल है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा मेन काम होने वाला है वो लगाने वाले हैं रोड्स। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ लाइक दिस और यहाँ से थोड़ा सा और ऐसे कर करके यहाँ से जाने वाला है ये रोड। अब सामने के लिए स्ट्रेटली अपने को 2 लगाने हैं, ठीक है, नाइस। तो हमने यहाँ पे पूरा अपना रोड बिछा दिया और यहाँ पे हमें कुछ एक पॉइंट भी दे रखा है, इस पॉइंट का शायद हमें यूज करना होगा इसे सपोर्ट देने के लिए। तो इस पॉइंट को मैं सपोर्ट देने के लिए यूज करने वाला हूँ ये, और यहाँ से एक जाएगी शायद ये यहाँ से ऐसा नहीं लग सकता, तो इसको एक काम करते हैं इसको अभी हटा देते हैं और अभी केबल से जो है सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेनली केबल लगाने वाला हूँ सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पे, ओवर कॉस्ट जा सकती है ये चीज, अगर कहीं से ओवर कॉस्ट जाने वाली होगी तो भाई हम उसे चेंज कर देंगे और उसकी जगह कुछ और ये चीज यूज करेंगे। वैसे भी हमारी सिर्फ 1 स्टार ही बचा हुआ है, हमारा 3000 टच कर जाएगा ये वाला बजट, बट मेनली है हमें एक ब्रिज सक्सेसफुल चलाना है, ब्रिज एक सक्सेसफुल ब्रिज बनाना है। तो उसको रन करके देखते हैं,
वैसे ये वाला चीज मैं हटा भी सकता हूँ, बट अभी रन करके देखते हैं, अभी एक स्टार में काम बन रहा है। तो यहाँ पे हमने इसे चला दिया, ये स्मूथली, पूरी स्मूथली तरीके से जा रहा है। मतलब केबल, वैसे हॉट एयर बलून के ऊपर ये पूरा का पूरा टिका हुआ है, हॉट एयर बलून नीचे नहीं आने वाला ये ब्रिज से। ठीक है, हमने जो है फिर भी एक बजट के अंदर ही काम किया, स्टार्स नहीं मिले पर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा आ चुका है नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल में एक यहाँ पे एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस को जाना है दूसरी तरफ अपने पेशेंट को लेके, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज ही नहीं बनाया, मतलब है एम्बुलेंस जाने वाली होगी और यहाँ पे हम ब्रिज बनाने बैठेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस जाएगी। तो यहाँ पे हमें ब्रिज बनाना है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लिए लेने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है तो हमें स्ट्रेट रोड बिछाना पड़ेगा, जैसे हमारा ये पूरा का पूरा रोड बिछ जाएगा। ओके, तो गाइज हमारा यहाँ पे रोड जो है पूरा बिच चुका है, और यहाँ पे हमारे $800 ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, और हमारा बजट है $7,300 का। तो अब हमें बाकी का काम जो है बहुत स्मूथली करना पड़ेगा, तो मेनली हमें यहाँ पे कुछ वो भी देने पड़ेंगे, सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सपोर्ट दूंगा कैसे, क्योंकि वुड के टुकड़े तो इतने बड़े होते नहीं है कि हम यहाँ से नीचे से सपोर्ट दे सके। तो पहले अपने को यार बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेन हमारा जो दिक्कत आने वाली है वो है इस वाले एरिया में, मतलब ये दोनों को छोड़ के और ये दोनों को छोड़ के, तो हमें 1, 2, 3 इन तीन मेन बेस को जो है सपोर्ट देना पड़ेगा। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ वुड, और यहाँ से इनके सेंटर में, यस लाइक दैट, और सेम टू सेम बीच में, हाँ सेंटर है ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, भाई क्या बात है। ओके, तो यहाँ से ये हो गया, और सेम टू सेम तरीके से एक यहाँ पे भी दे सकते हैं इसके सेंटर में, यस, और एक इसके सेंटर में। ओके, तो यहाँ से हमारा वी शेप का जो है ये तैयार हो चुका है, अब यहाँ से हम इसे ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च होने वाले हमारे इस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, बट अगर हमने सही तरीके से सिमेट्री वाइज इसको बनाया तो काफी ज्यादा बढ़िया बन सकता है। तो यहाँ से हम फटाफट से पूरा इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लाइक दैट, और सेम टू सेम लाइक दैट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे तोड़ते हैं और इसे वापस से बनाते हैं सही तरीके से। अभी हमें इसके बीच में भी सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये शायद ना टिके, तो सेम टू सेम ऐसे, अपने पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है इस वाले में, तो हम आराम से इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, इसी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, लेकिन अब इसे टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि ये वाला एरिया स्मूथ बढ़िया बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ से पहले हम इसे थोड़ा सा और ऐसे, और ये वाला एरिया थोड़ा सा यूं। अभी भी हमारे पास 3 स्टार्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है। ओके, तो मेरी तरफ से तो ये ब्रिज कंप्लीट है, बस ये वाला एरिया थोड़ा सा और तगड़ा बन जाता तो बढ़िया मजा आता। एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसे, यार ये पता नहीं इतना ज्यादा टेढ़ा कैसे हो जाता है, मैं तो सही बनाता हूँ, ये ब्रिज ही गड़बड़ हो जाता है। अभी भी बजट के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, तो सब कुछ ठीक है यार, छोटा बड़ा हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है अपने को। हाँ क्या है, क्या दिक्कत है भाई, हो जाना। हाँ ठीक है, यहाँ से एक सेंटर, यहाँ से सेम टू सेम एक और सेंटर, और ये रहा मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा ब्रिज सही है, बिल्कुल नहीं टूटेगा, कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, एम्बुलेंस अपने आराम से पेशेंट को लेके चली जाएगी अगर वो पेशेंट जिंदा बचा हो तो, ठीक है। तो यहां से अब इसको स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हिल रहा है और ब्रिज टूट गया, जैसा कि मुझे लगा था कि ब्रिज टूट जाएगा, पता नहीं इसको क्या हुआ, पीट रहा है, तो हमें थोड़ा सा और सपोर्ट देना पड़ेगा। 1 and 2 and 3, स्टार्टिंग वाला एरिया बहुत जल्दी ब्रेक हुआ था, तो इस वजह से यहां से थोड़ा सा पावर देनी है। मेरे डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, मैं कमाऊंगा क्या, मैं अपने अपने परिवार को खिलाऊंगा क्या अगर मेरा सारा पैसा ब्रिज बनाने में ही चला जाएगा तो। चलो अब ब्रिज नहीं हिल रहा है बिल्कुल भी, ब्रिज एकदम स्मूथली जा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है पेशेंट जा चुका है हॉस्पिटल में, पता नहीं ये शायद छतरी सी है जो शायद हॉस्पिटल है, पता नहीं इस छतरी में कैसा इलाज करेंगे। तो गाइज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको इस वाली वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो भाई लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।